हेलो दोस्तों, कैसे आप? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त गणेश कोड़े। आज हम बात करेंगे बिजनेस मैनेज कैसे करते हैं। अगर आप नए बिजनेस कर रहे हो या ऑलरेडी ओल्ड बिजनेस है तो उसे मैनेज कैसे करना है, तो आज मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। पहले तो खुद पर काम कीजिए, ठीक है? मतलब अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हो, मतलब आप मार्केटिंग भी आप करते हो, सेल भी आप करते हो, कस्टमर के पास भी आप सेल करने के लिए जाते हो, तो आप खुद इंडिपेंडेंट हो जाते हो। उसके बाद अगर आपके पास पूरे से फंडिंग है तो आप टीम भी हायर कर सकते हो या आउटसोर्सिंग कर सकते हो। मतलब अगर आपके पास फंड कम है तो आउटसोर्स करके आप उनसे काम निकालवा सकते हो। मतलब मार्केटिंग, अगर डिजिटल मार्केटिंग कौन एजेंट है, डिजिटल मार्केटिंग उनसे कर सकते हो। सेकंड है, आप सेल, अगर सेल सेल एक्सपर्ट है, वो सेल एजेंट है और चैनल पार्टनर है, उनसे आप सेल करवा सकते हो। या प्रोडक्ट, आप किसी प्रोडक्शन कंपनी से प्रोडक्ट बनवा के लेकर आप अपने ब्रांड से आप सेल कर सकते हो। ये आउटसोर्सिंग का फंडा होता है। सेकंड है, अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हो, मतलब अभी आपको अपनी टीम बनानी है, अपनी कंपनी बनानी है, अगर आपके पास फंड है तो आप प्रोडक्शन चालू कर सकते हो। उस हिसाब से आपकी टीम होनी चाहिए। मतलब अगर नया टीम हायर करने के लिए एचआर, ह्यूमन एंड रिसोर्सेज प्लानिंग, मतलब अगर आपको मार्केटिंग का बंदा चाहिए या सेल का बंदा चाहिए, वो हायर कर सकता है एचआर डिपार्टमेंट। सेकंड है सेल डिपार्टमेंट प्लस अकाउंट डिपार्टमेंट। अगर आप बैलेंस शीट, अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस कितना होता है, आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल है या नॉन प्रॉफिट है, EBITDA कितना निकल रहा है साल का, ये सारा अकाउंट वगैरह से देखते हैं। उसके बाद आता है मार्केटिंग हेड, मार्केटिंग पार्टनर, वो टीम अलग होती है। जैसे जैसे आपकी बिजनेस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप टीम हायर करते जाओगे, मैनेजर, उस CEO, मैनेजर, जनरल मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, फिर एम्प्लॉइज़, ऐसे टीम आप हायर करते जाओ, उस हिसाब से आप बिजनेस बड़ा कर सकते हो। एक बार टीम हायर हो गई तो उसे आप अलग अलग काम पर रख सकते हो, जैसे रतन टाटा जी ने किया, मुकेश अंबानी जी के। अभी ये खुद काम नहीं करते, उनकी टीम, उनकी बिजनेस ऑटोमेशन पे चल रहा है, मतलब उनकी टीम उनके लिए काम करती है, तो ऐसे आप कर सकते हो। तो ऐसा होता है बिजनेस। और आउटसोर्सिंग करना है तो आप जो भी पार्ट बना रहे हो, मतलब जो भी बिजनेस कर रहे हो, उसका प्रोडक्शन आप अलग अलग लोगों से ले सकते हो, अलग अलग कंपनियों से, उन अपने नाम से ब्रांड बनाकर आप अपने उनसे बनवा के ले सकते हो और वो सेल कर सकते हो मार्केट में। तो ऐसे होता है आउटसोर्सिंग का फायदा। और आप अगर मैन पावर हायर कर सकते हो तो वहाँ ये मैन पावर हायर करके सेल कर सकते हो। तो ये होता है अपने बिजनेस, अपना खुद का ब्रांड और खुद की टीम और खुद का बिजनेस। आउटसोर्सिंग होता है, आउटसोर्सिंग दूसरे से माल लेते हो और अपने नाम से बेचते हो। फर्स्ट होता है अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो प्रोप्राइटरशिप में कंपनी आती है। सेकंड होता है अगर प्रोप्राइटरशिप के बाद आता है प्राइवेट लिमिटेड। मतलब अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करना है तो पहले आपको पार्टनर चाहिए होता है, मतलब उसकी इक्विटी आपको होनी चाहिए, तो होता है प्राइवेट लिमिटेड। थर्ड होता है पब्लिक लिमिटेड। मतलब अगर आप लिस्ट करते हो शेयर मार्केट में तो वो जीते पब्लिक लिमिटेड, मतलब 51% आप रहते हो, बाकी का मार्केट तय करता है आपका शेयर कितना बढ़ सकता है, कितना लॉस हो सकता है, वो पब्लिक का पैसा होता है। जब जितना जितना पब्लिक इन्वेस्ट करता जाएगा उतना उतना आपका फंडिंग आता जाएगा, आपका शेयर बढ़ता जाएगा। तो ये कंपनी का फॉर्मूलेशन है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड से पब्लिक लिमिटेड तक जा सकते हो तो आप वहाँ जा सकते हो। मतलब रतन टाटा जी के हर एक कंपनी पब्लिक लिमिटेड है, ओल्ड कंपनीज हो गई या बड़ी कंपनीज हो गई, टाटा वगैरह सब कार्स कंपनी, ये पब्लिक लिमिटेड है। जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनका ही पैसा वो शेयर बाड़ा के, मतलब जितना ज़्यादा सेल होता है, प्रॉफिट होता है साल का, उतना वो डिविडेंड देते हैं। डिविडेंड हर एक शेयर के बीच में डिविडेंड देते हैं हर एक शेयर पर। तो ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी का ये फायदा होता है, लोगों का पैसा, लोगों को ही माल बेचकर कमाते हैं, ये होता है पब्लिक लिमिटेड। इसलिए अगर आप बिजनेस करना चाहते हो पहले प्रोप्राइटरशिप चालू कीजिए, फिर प्राइवेट लिमिटेड जाइए, फिर पब्लिक लिमिटेड जाइए। स्टेप बाय स्टेप होता है। जब आप अपनी टीम अच्छी बनाते हो तो आप ये
स्टेप अपना सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए जो अपना बिजनेस खुद चालू करना चाहते हैं उनको। थैंक यू।